अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, गोपाल राय उसका समर्थन कर रहे थे, उम्र को लेकर तंज किया और इन सब के बीच में गिरिराज सिंह का भी आ गया है बड़ा बयान। उन्होंने निशाना साधा है, ये कहा कि केजरीवाल दरअसल डरे हुए हैं, अभी पेरोल पर बाहर आए हैं और केजरीवाल अपनी ही बातों पर टिकते कभी नहीं है। केजरीवाल कहते थे राम मंदिर नहीं जाऊंगा, अब केजरीवाल राम भक्त हनुमान भक्त हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केजरीवाल न तो राम भक्त हैं न हनुमान भक्त हैं, वो तो सत्ता भक्त हैं, सलाहकार न बने अरविंद केजरीवाल। ये नसीहत भी गिरिराज सिंह ने दे दी है। गिरिराज सिंह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल बढ़ती उम्र को लेकर भी जिस तरीके से तंज किया, ये भी कहा कि मोदी सरकार चार जून को नहीं बनने जा रही है। परसों भी वो इसी तरीके से गरजे थे और ये कहा था 73 साल के हो गए हैं, अब रिजल्ट आएगा, अगर बहुमत मिल भी जाता है तो पीएम कितने दिन वो बने रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो दरअसल अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं और अब हो सकता है एक साल बाद अमित शाह को पीएम बना दिया जाए। ऐसी तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कही हैं, अपने भाषण में कही हैं, जिस पर रिएक्शन सब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कहा सुनिए आप। केजरीवाल डरे हुए और अभी तो जेल से पैरोल पड़ा है, बंदी है केजरीवाल। वो बंदी हैं जो कभी अन्ना हजारे के माथे पर बैठ करके इतनी कस्में खाई है कि अन्ना हजारे भी अब उनको अपना साथ कहता है मेरा शिष्य नहीं। इसलिए केजरीवाल की अब विश्वसनीयता नहीं बची है। केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो केजरीवाल अपनी बातों पर ही नहीं टिका रहते। अगर आपको किसी भी सेक्टर में देखना,